मैं हूँ शौकत अली और इस वक्त मौजूदगी हमारी सहरसा सदर अस्पताल में। देखिए, बिहार में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग दहशत में है और इस प्रकोप से लड़ने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग सहरसा में क्या कुछ इंतजाम किया गया है, हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये डेंगू वार्ड की तस्वीर है जो सदर अस्पताल में बनाया गया है। हालांकि अभी जिले में एक भी डेंगू मरीज के मिलने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर जो जिला स्वास्थ्य विभाग के तरफ से ये तैयारी जो है देखने को मिल रहा है, 10 बेड का जो है कि यह वार्ड बनाया गया है। अगर कोई डेंगू का मरीज अगर मिलता है तो उन्हें इस वार्ड में रखकर उसे उसकी इलाज की जाएगी। ये तमाम व्यवस्था जो है कि जिला स्वास्थ्य विभाग के तरफ से किया गया है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में 10 बेड का जो है कि यह वार्ड बनाया गया है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर पूरी तरह से जिला स्वास्थ्य विभाग सहरसा जो है कि अलर्ट है और उसके लिए जो है कि पूरी तरह से व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कोई डेंगू का मरीज अगर मिलता है तो उस मरीज को इस वार्ड में रख करके उसकी इलाज की जाएगी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जो है कि जिला स्वास्थ्य विभाग सहरसा के द्वारा ये तमाम तैयारियां की गई है। डेंगू मरीजों के लिए जो आवश्यक दवाइयां होनी चाहिए, उसके अलावा जो उसके इलाज में जो है कि डॉक्टर की टीम लगाई जाएगी और उसके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। तो ये तस्वीर जो है कि बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर सहरसा सदर अस्पताल में जो है कि डेंगू वार्ड जो है कि बनाया गया, और ये उसकी तस्वीरें जो सीधे हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हालाँकि यहाँ जिला स्वास्थ्य विभाग सहरसा के द्वारा बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और किस तरह से उनकी तैयारी है, इसको लेकर सिविल सर्जन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर के मिश्रा हुआ। ये सर, अभी जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के सहरसा में क्या तैयारी की गई है? हम लोग इसके लिए पूर्ण तैयारी कर लिए हैं। डेंगू के संबंध में वो पेरीफेरी से वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और CHC के द्वारा अगर इसके बारे में निगरानी रखी जा रही है, अगर इस तरह का कोई संदेहास्पद अगर कोई मरीज मिलता हो तो उसकी सूचना हमें दी जाती है और उसके बाद हमारे यहाँ से टीम जाकर उनका ब्लड सैंपल वगैरह ले लेते हैं और उसकी जांच की जाती है। मेरे यहाँ ये डेंगू के लिए डेडिकेटेड बेड भी है और उसके लिए सारी दवाइयाँ भी हैं अस्पताल में। सर, इसके लिए स्पेशल वार्ड टाइप? ये उसके लिए डेडिकेटेड बेड्स हम लोगों ने बना रखे हैं सेपरेट, और उसके इलाज के लिए जो आवश्यक दवाइयां चाहिए सारी हमारे पास उपलब्ध है। फिलहाल जो है बढ़ते प्रकोप को लेकर सहरसा में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और उसको लेकर विशेष व्यवस्था भी करके रखी है। अगर इस तरह की नौबत आती है तो उससे लड़ा जाएगा और उस प्रकोप को रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी इंतजाम जो है की गई है। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा।